आज मैं आपको आप और आपका पैसा इसके बारे में आपसे बातचीत करने वाला हूं। हर एक को ऐसा लगता है कि हमने अमीर बनना चाहिए, हर एक को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत पैसा कमाना चाहिए। तो सबसे पहले यह जरूरी है कि भाई आपको यह तय करना पड़ेगा कि मेरे को पैसा कमाने का है। लोगों को यही तय नहीं है कि मैंने पैसा कमाने का कि नहीं कमाने का। नंबर दो, एक बार तय कर लिया कि मेरे को पैसा कमाने का है, फिर दूसरा क्या मैं वो पैसा कमाने के लिए वैसा सोच सकता हूं और वैसे एक्शन कर सकता हूं, तो उसके एक्शन करने के लिए भी लोगों की तैयारी होना चाहिए। मतलब एक तो तैयारी है कि भाई सोचना, सोच लाना कि मैं कर सकता हूं, और दूसरा भी उसके लिए मैं एक्शन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ऐसे दो बातें, हर इंसान को अमीर बनने का है, मगर अमीर बनने के लिए जो चाहिए वो करने की लोगों की इच्छा नहीं रहती। मैं लोगों को लगता है कि मुझे लॉटरी मिलनी चाहिए, लोगों को लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा अचानक पैसा आना चाहिए, या किसको ऐसा एक मुझे लड़का मिला, अरे क्यों रे आजकल कुछ काम धंधा करता नहीं, क्या हो गया, कुछ काम धंधा चालू नहीं किया। बोले मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं तो काफी अच्छा पढ़ा हूं, अभी टेम्पररी कुछ नौकरी वगैरह कुछ तो पकड़ लूंगा, और मैं देख रहा हूं कि अमीर बाप की लड़की से मैं शादी कर लू ताकि मुझे पैसा मिल जाएगा। वैसे मतलब लोगों के इस तरह की सोच है कि मुझे लॉटरी में पैसा मिलेगा, या कोई रेस में पैसा मिलेगा, या कोई फुकट का पैसा मिल जाएगा तो अच्छा है। वो पैसा कमाने के लिए जो करना चाहिए वो करने की लोगों की इच्छा नहीं रहती। दूसरा, उसमें आपका कमिटमेंट है, मतलब आप वचनबद्ध हो गया, उसमें प्रतिबद्ध हो गया कि नहीं मुझे करना ही है, कोई भी हालत में करने का है, मैं रुकूंगा नहीं, तो वो अमीर बनने के लिए बहुत जरूरी है। अभी सवाल आता है कि अमीर हम बनते क्यों नहीं। एक तो एक्शंस नहीं होती, क्योंकि कोई भी रिजल्ट आपको पाना है तो उसके लिए एक्शन की जरूरत होगी ही होगी, एक्शन आपको करनी पड़ेगी। और सिर्फ एक्शन करके पैसा नहीं आएगा या रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो एक्शन इफेक्टिव एक्शन होना जरूरी है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, बोलता है कि मुझे है ना बहुत अमीर बनना है, मुझे बहुत कमीशन कमाने का है, तो सुबह उठ के सवेरे से 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक LIC पॉलिसी बेचने के लिए घर घर घूम रहा है, मगर शाम को उसकी एक भी पॉलिसी बेची नहीं गई। क्या LIC कंपनी उसको पैसा देगी? बिल्कुल ही नहीं। उसने एक्शन किए नहीं? उसने एक्शन बिल्कुल की, बहुत हार्डवर्क किया, फिर उसने जो एक्शन किया वो इफेक्टिव एक्शन नहीं, रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एक्शन नहीं। तो हमको ये देखना है कि हमारी एक्शन भी रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एक्शन होनी चाहिए। फिर अभी मैं इसको जैसा जैसा बोलते जाऊंगा, तो अभी इस समय भी आज आपसे कुछ बातें बताऊंगा कि क्यों हम अमीर नहीं होते। इसके लिए सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है, जो बैरियर है, वो है कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स, हमारी विचारधाराएं, हमारे दिमाग में ऐसे विश्वास बैठे हुए हैं बचपन से, उसकी वजह से हम अमीर नहीं बनते। आप पूछेंगे कौन से विश्वास है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कुछ कुछ, मैं आपको लिमिटिंग बिलीफ बताता हूं। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि पैसे पेड़ को नहीं लगते, और पैसे मैं बोलता हूं कि पैसे पेड़ को नहीं लगते, ये सत्य है। अभी मैं बोलता हूं कि पैसे पेड़ को ही लगते हैं, सिर्फ वो पेड़ हमने हमारे घर पे लगाए हैं। कि देखो, सबसे महंगा कोई होटल मुंबई का होगा, समझो फॉर एग्जांपल ट्राइडेंट है, ताजमहल है, जो भी होगा, अभी उसमें 25,000 से लेके 50,000 रुपए रोज का कमरा वहां जो है, तो ऐसे काफी सारे कमरे वहां है, और वो साल साल भर के लिए बुक है, लोगों ने बुक करके रखे हुए। क्या वो लोगों के पास पैसा नहीं? बिल्कुल है। मतलब वो लोगों के पास में पैसा है, वो लोग खर्चा कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े कॉस्ट के जो कमरे हैं वो साल साल भर के लिए बुक किया है उन्होंने, उनके पास में पैसा है। क्या हमारे पास में पैसा नहीं हो सकता है? उन्होंने पेड़ लगाया नहीं, उन्होंने पेड़ लगाया हुआ है, उन्होंने एक्शन का, इफेक्टिव एक्शन का पेड़ लगाया हुआ है, हमने नहीं लगाया। तो एक बिलीफ है, क्या पैसे पेड़ को लगते हैं, नंबर दो। दूसरा बिलीफ यह है, बचपन से हमारे ऊपर यह संस्कार है, पैसा है ना बुरी चीज है, पैसे से ना बहुत झगड़े होते भाई भाइयों में, मतलब ऐसा बोला गया। फिर तीसरा बिलीफ है कि नहीं, पैसा जो है ना वो अमीर एक बार बन गया और पैसा कमा लिया,
फिर आदमी अहंकारी बनता है, इसलिए पैसा ज्यादा कमा के फायदा नहीं। अहंकारी बनना थोड़ी है हमको, वो ऐसे कोई बिलीफ है कि अहंकारी बनता है, या फिर पैसा है ना कमाते हैं तो लोगों को चीट करके उनको मूर्ख बना के ही पैसा कमाया जाता है, और अमीर बनना है तो लोगों को मूर्ख बनाना पड़ेगा, लोगों को मूर्ख बना के हम पैसा कमा सकते हैं, मतलब ऐसे भी एक विचारधारा लोगों के मन में है। दूसरा है कि नहीं, मैं तो पैसा कमा ही सकूंगा नहीं और पैसा कमाना मेरे नसीब में ही नहीं। फिर कुछ एक मुझे तो व्यक्ति ऐसा मिला, बोलता है कि देखो मैं पैसा कमा सकता हूँ, पैसा कमाता भी था, मगर मेरा जो बड़ा भाई है ना वो इतना अमीर नहीं, वो इतना पैसा कमाता नहीं, तो उससे ज्यादा पैसा कमाना मुझे अच्छा लगता नहीं, तो वो है। फिर तीसरा है कि नहीं नहीं, हमारे घर की जो विचारधारा है वो हम संत परंपरा है हमारे घर में, और हमारे घर में ऐसा बहुत व्यापार करना, बहुत पैसा कमाना, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ है, इसलिए हम पैसा कमाते नहीं। फिर कुछ विचार आ रहा है कि नहीं नहीं, पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए पैसा कमाना बुरा है। पैसे से क्या खुशी मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। पैसे से क्या नींद आ सकती है? बिल्कुल नहीं। तो खुशी मिलाना, प्यार, नींद आना, अच्छी सेहत, ये कुछ पैसे से नहीं मिलते, इसलिए पैसा कमाना जरूरी नहीं। ऐसे काफी सारे बिलीव्स, काफी सारे विचारधारा, विश्वास लोगों के मन में, सबकॉन्शियस माइंड में इतना पक्का बैठा हुआ है कि लोग सोच भी नहीं सकते कि वो कुछ पैसा कमाए और अमीर बने। एक तो व्यक्ति ऐसा मुझे मिला कि वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो है ना पैसा कमाना तो मुझे संभव ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। उसने कभी कभी पैसा कमाया भी अच्छा, मगर कमाने के बाद में उसके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ था कि मैं पैसा कमा नहीं सकता, तो उसने कमाया हुआ पैसा भी कमा लिया। मतलब इतना लोगों के मन में वो विचारधारा ऐसी, मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार रहते हैं वो इतना इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के दिमाग में कि उनको लगता कि नहीं, अपन कमा ही नहीं सके और कमाना अच्छा भी नहीं। अब इसके लिए करना क्या? इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि जो लिमिटिंग बिलीफ्स है दिमाग में बैठे हुए, अभी उसको निकालना पड़ेगा। अब ये सबकॉन्शियस माइंड में लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं पैसा कमाने के लिए लायक नहीं हूं, मैं इतना पैसा कमा ही सकता नहीं, पैसा कमाना इतना अच्छा नहीं है, पैसे से झगड़े हो जाते हैं, पैसे से भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, माँ बाप से दूर होना पड़ता है, पैसे क्या पेड़ को लगते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, ये जो बिलीव्स है ये आपको पहले दूर करने पड़ेंगे। बिलीव तो दूर होंगे नहीं क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में पक्के बैठे हुए अंदर, वो इतनी विचारधारा पक्की बैठी हुई है, कोई निकलेंगे नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक काम करना पड़ेगा, अभी आप ये मेरा वीडियो सुन के वो काम कर लो कि आप कागज पेन ले लो और कागज पेन लेके पूरे अपने जो लिमिटिंग बिलीफ है लिख के लाओ, लिखो, पूरे लिखो, जितने भी आपके लिमिटिंग बिलीफ है, जितने भी पैसे के खिलाफ, पैसा कमाने के, अमीर बनने के खिलाफ जितने भी विचारधारा है आपकी लिखो, और फिर उसके सामने वो जो निगेटिव स्टेटमेंट है उसके सामने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखो। पैसे क्या पेड़ को लगते हैं? हाँ, पैसे पेड़ को ही लगते हैं, वो पेड़ मैंने लगाया नहीं। नहीं, पैसा कमाना पाप है? नहीं, पैसा कमाना अच्छा काम है और पैसा हर एक को मिल सकता है। क्या मेरे घर में पैसा बहुत आ सकता है? यस, मेरे घर में पैसा बहुत आ सकता है और पैसा कमाना आसान है, मैं अमीर बन सकता हूं। मतलब हर निगेटिव स्टेटमेंट के सामने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखो, और फिर वो लिखने के बाद में वो पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है, सकारात्मक जो विचार है, सकारात्मक जो सोच है, सकारात्मक जो विधान है, अभी वो बार बार आप अपने आप से बोलो, उसको विजुअलाइज करो कि मैं बहुत अमीर बन चुका हूं, मेरे पास में बहुत पैसा है, मेरे पास में सब कुछ है जो पैसे से खरीदा जा सकता है, मैं पैसा बहुत पैसा कमा रहा हूं। मतलब ऐसा विजुअलाइज करते हो, खुद को अफर्मेशन देते हो बार बार, तो क्या होगा, एक बेस बन जाएगा सबकॉन्शियस माइंड, एक बेस बनेगा कि जो बेस के ऊपर आप अभी एक्शन ले सको, क्योंकि आप एक्शन लेंगे सिर्फ और बेस ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। तो एक क्लियरिंग बनना चाहिए, एक ऐसी स्पेस बनना चाहिए कि जहां पैसा आ सकेगा। तो स्पेस बनने के लिए बार बार अफर्मेशन करना, पॉजिटिव विचार पैसे के बारे में दिमाग में डालना, और स्वसम्मोहन करना, और विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ हिप्नोसिस और सेल्फ सजेशन बार बार इतने बार देना, इतने बार करना हो कि सबकॉन्शियस माइंड को इतना हैमरिंग करने के बाद में वो जो निगेटिव थॉट्स है वो सबकॉन्शियस माइंड पूरा भूल जाएगा या पूरा उतर जाएंगे। जब आप ये करते हो तो फिर आगे सवाल आता है, फिर अभी इसके बाद में एक्शंस कौन सी है? तो आप अलग 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 एक्शंस ले सकते हो पैसा कमाने की,
वो और कोई अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अभी तो लिए इतना ही काफी है कि भाई आप आपके पहले आपने पक्का करना चाहिए मन में कि मुझे अमीर बनने का है। नंबर दो, मेरा कमिटमेंट है कि मैं अमीर बनूंगा। नंबर तीन, मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं तो मैं उसके लिए मैं एक्शन लूंगा। ये तीन बातें। तो नंबर चार, लिमिटिंग बिलीव्स जो है वो निकालनी है। नंबर पांच, लिमिटिंग बिलीव्स जो निगेटिव है उसके सामने पॉजिटिव बिलीव्स लिख के वो पॉजिटिव बिलीव्स का अफर्मेशन बार बार वो बोलना, और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर उसका हैमरिंग करके पॉजिटिव बेस तैयार करना, एक क्लियरिंग तैयार करना, एक वातावरण अंदर सबकॉन्शियस माइंड में तैयार करना कि जहां से एक एक्शन लेने के लिए ग्राउंड मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप अमीर बनने के लिए एक ग्राउंड बैकग्राउंड वर्क किया आपने होगा। तो आप और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और फेसबुक पेज को भी आप लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय। आज मैं आपको बोलने वाला हूं गुस्सा कंट्रोल कैसे करें। होता यह है कि हमारे वातावरण में काफी सारी घटनाएं होती रहती है, लोग रहते हैं वातावरण में, और हमें वातावरण से या लोगों से कुछ अपेक्षाएं रहती है कि व्यक्तियों ने मेरे से ऐसा बर्ताव करना चाहिए, लोगों ने मुझसे ऐसा बोलना चाहिए, लोगों ने मुझे मान सम्मान देना चाहिए, लोगों ने मुझे इस तरह से बुलाना चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है कि भाई लोगों से मुझे अपेक्षा रहती। फिर दूसरा एक कारण रहता है कि मुझे कोई मेरे दिमाग में कोई सफलता हासिल करने के लिए कोई दिमाग में, या कोई मुझे लक्ष्य हासिल करने का, और वो लक्ष्य हासिल करने के लिए फिर मुझे रोक दिया जाता है सिचुएशन से, ऐसी कोई घटना होती है कि मैं वो जो चाहिए मेरा जो मेरा मकसद है वो मैं पूरा नहीं कर सकता। तो वो कारण हो सकता है कि मकसद पूरा नहीं होना। और तीसरा कारण जो होता है कि मुझे लोगों से कुछ कहना है मगर मैं वो कहता नहीं, मैं फ्रेंकली लोगों से बातचीत नहीं करता, जो बोलना है वो रोक के रखता हूं। संवाद जो है तो वो लोगों से मैं संवाद नहीं कर सकता, संवाद से बातचीत नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, जो बोलना है वो मैं रोक के रखता हूं अपने दिमाग में कि मैं कैसा बोलूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं समझो किसको बोलूं तो मुझे एक तो डर लगता है कि वो नाराज हो जाएगा मैं ऐसा बोलूंगा तो, या फिर मुझे ऐसा डर लगता है कि वो गुस्सा करेगा और कुछ मुझे कुछ उल्टा बोलेगा, गुस्सा करेगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा, तो इसलिए वो डर के मारे बोलो या वो नाराज हो जाएगा, वो प्यार है उसके लिए बोलो, मतलब कुछ ना कुछ कारण ऐसा है कि मैं वो कम्युनिकेट नहीं करता, वो बातचीत नहीं करता। तो वातावरण में ऐसी कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती है, घटनाएं होती रहती है। अभी उसको मुझे क्या रिएक्शन देने का है, जब एक्शन होती है तो उसको मुझे रिएक्शन क्या देने का है, चॉइस मेरा है। अभी मैं चॉइस देने के समय, मतलब वो रिएक्शन देने के समय मैं जो चॉइस करता हूं, अभी एक तो ऐसा हो सकता है कि मैं ये सोचूं कि मैं जो भी इसका रिएक्शन दे रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा, क्या मुझे सामने वाला दुखी हो जाएगा मैं कुछ बोलूंगा तो, या मैं उसको कुछ बोलूंगा तो उसको अच्छा लगेगा, वो खुश होगा। मगर ऐसा होता ही नहीं है। क्या होता है कि कुछ ना कुछ घटना होती रहती है और मैं बिना सोचे समझे एकदम फटाक से झट से एकदम रिएक्शन दे देता हूं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो रिएक्शन दे देता है, मैं गुस्सा हो जाता हूं और फिर वो गुस्सा मेरे कंट्रोल में रहता ही नहीं। तो जैसे मैंने बोला कि मेरी रिएक्शन होती रहती है, और उसके जो कारण मैंने बताया कि भाई अपेक्षाएं मेरी पूरी नहीं होती लोगों से, या मेरा मकसद जो है वो पूरा नहीं होता, या लोगों से मैं बातचीत करना जो है वो रोक देता हूं, या फिर कोई मेरा इंसल्ट कर देता है, मेरी जो आइडेंटिटी मेरा जो ईगो है
उसको वो हर्ट कर देता है या मुझे कोई मान सम्मान देता नहीं है, मतलब ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है कि जिसकी वजह से मुझे बुरा लगता है और मैं एकदम गुस्सा कर लेता हूं। तो अभी गुस्सा, यदि मैंने आपको बोला कि गुस्सा आप कमरे में जाओ और गुस्सा करो अकेले, या अभी मैंने किसको बुलाया कि आ जाओ भैया और गुस्सा करो, बोलेगा ऐसा कैसा गुस्सा आएगा, ऐसा कैसा गुस्सा करूंगा, कुछ कारण तो होना, मतलब ये पक्का सभी को मालूम है कि कुछ कारण बिना गुस्सा आता नहीं, कुछ ना कुछ कारण होना जरूरी है। तो जब कारण है मतलब कारण कहां पैदा होता है, कारण वातावरण में पैदा होता है। तो फिर जो भी वातावरण में हो रहा है गुस्सा, ये मेरी उसको देने वाली एक प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है। तो वातावरण में कुछ हुआ, मैंने रिएक्शन दिया, गुस्सा हो गया। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब यह है कि मेरा गुस्सा आना या नहीं आना ये किसके हाथ में है, ये बाहर के वातावरण के हाथ में, लोगों के हाथ में है। मतलब मेरे गुस्से का रिमोट कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में, लोगों के हाथ में। मतलब कुछ तो भी हो जाता, मेरे दिमाग में कुछ ना कोई ऐसे कॉन्वर्सेशंस, ऐसे दिमाग में मेरे कुछ ना कुछ विचार आते हैं, और वो विचार आने के बाद में मतलब कुछ तो भी हो जाता, मैं मेरे से कुछ तो भी बोलता हूं, कुछ सेकंड के, कुछ मिली सेकंड, कुछ नैनो सेकंड के भीतर उसके अंदर ऐसा कुछ मेरे से बातचीत मेरी हो जाती है और एकदम फटाक से मैं गुस्सा कर लेता हूं। गुस्सा मेरे कंट्रोल में है नहीं। महात्मा गांधी जी ने ऐसा बोला था कि नो वन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ कैन मेक मी एंग्री अनलेस आई परमिट हिम टू डू सो। मतलब ये दुनिया में मुझे गुस्सा देने वाला, दिलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मैंने वो अधिकार किसको दिया ही नहीं। ये कैसा हो सके कि मैं गुस्सा, मेरा जो गुस्सा है वो उसका रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में होंगे। हाँ गुस्सा आएगा मुझे, मगर वो गुस्सा जब मैं चाहूंगा तो गुस्सा आएगा, जब लोग कुछ करेंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ये कैसे होगा, मेरा रिमोट कंट्रोल जो है वो मैं लोगों के हाथ में ना देते हुए मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा, मतलब मैं उसको रिएक्शन दूंगा ही नहीं। अब ये गुस्सा कम करने के लिए लोग बोलते हैं कि अलग अलग कुछ कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट बताया है कि जब गुस्सा आता है तो 1 से 10 तक गिनती किया करो, या पानी का 1 गिलास मतलब पियो ताकि आप गुस्सा नहीं करेंगे, या वहां से निकल जाओ बाहर, या अपना लक्ष्य विचलित करो, ऐसा अलग 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 तरीके लोगों ने नुक्स बताए हुए कि ऐसा ऐसा करो। वो ये देखना है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, पहले ये देखो। गुस्सा नहीं आना चाहिए इसलिए कि देखो आप अपसेट हो, गुस्सा आया मतलब आप अपसेट हो गए। तो समझो कल्पना करो कि एक चेयर है यहाँ और चेयर सेट है, अब वो जो चेयर है वो बैठने के काम की है, मतलब उसके ऊपर बैठा जाता है। अभी मैंने उसको नीचे गिरा दिया, मतलब मैंने वो चेयर को भी अपसेट कर दिया, क्या अभी चेयर वो काम की है? बिल्कुल काम की नहीं है, क्योंकि अभी उसके ऊपर कोई बैठ नहीं सकता। जब आप अपसेट हो जाते हो तो आप काम के रहते नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी निकल जाती है, उत्पादन क्षमता आपकी निकल जाती है, आपकी कैपेसिटी काम करने की निकल जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और आप हो सकता है कि आपका गुस्सा 1 घंटा रहा होगा या रहता होगा, 1 दिन रहता होगा या 2 दिन रहता होगा, आप उस समय उतना अच्छा काम नहीं कर सकते। गुस्से से लोग भी परेशान हो जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, अपने संबंध लोगों से खराब हो जाते हैं। गुस्सा जब आता है तो ब्लड प्रेशर बहुत सारा बढ़ता है, अपना स्वास्थ्य खराब हो जाता है, सबसे मेन जो है वो लोग टूट जाते हैं अपने से, क्योंकि बहुत गुस्से वाले जो लोग रहते हैं उनके दोस्त कम रहते हैं, उनके पास में जाना लोग पसंद नहीं करते, इसलिए लोग भी टूटते जाते हैं। उनको ये देखना है कि गुस्से के ऊपर कंट्रोल कैसे करें। आप रेगुलरली यदि सम्मोहन उपचार करते हो, हिप्नोटिज्म, हिप्नोथेरेपी, और खुद को सूचनाएं देते हो, सूचनाएं देके स्वसम्मोहन उपचार, सेल्फ हिप्नोसिस करना, और सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशंस देना, बार बार सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हैमरिंग करना, ताकि सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट ना करे किसी को, कोई चीज को रिएक्ट नहीं करेगा, इस तरह से उसको अफर्मेशन देना सबकॉन्शियस माइंड को। एक तो वो हेट्रो हिप्नोटिज्म में होता है, मतलब मैं हिप्नोटाइज करूंगा तो वो होता है, या फिर मैं सिखाता हूं कि सेल्फ हिप्नोटिज्म कैसे करना और उससे गुस्सा कैसे कंट्रोल में करना। दूसरा एक तरीका उसका ऐसा है कि जब जब ऐसी कोई चीज
या कोई वातावरण में कोई घटना ऐसी हो जाती है तो हमने ये देखना है कि भाई मुझे गुस्सा आया क्यों, और गुस्सा जब आता है मतलब आता है मतलब क्यों आता है भाई, और फिर गुस्सा यदि आता है तो ठीक है आया तो आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब गुस्से में रहने का नहीं, तो फिर जो भी है वो सीधी सीधी साफ साफ बात लोगों से करना है। समझो आपने किसी से बोलना टाल दिया है तो बोलना चालू करो, अपना मकसद पूरा नहीं हुआ तो वो लोगों से कांटेक्ट करके बताओ कि मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, लोगों ने आपका अपेक्षा भंग किया होगा तो आपकी अपेक्षा लोगों से क्या थी वो बताओ, मतलब जो भी उसके कारण होंगे तो उस समय लोगों से बातचीत करो। होता क्या है कि जब गुस्सा आता है तो हम पहला जो काम करते लोगों से बातचीत बंद कर डालते हैं, पति पत्नी जब एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं अपसेट हो जाते हैं गुस्सा हो जाते हैं तो पहला काम ये होता है कि एक दूसरे से पहले बातचीत बंद कर देते हैं, सोते हैं तो दोनों के बीच में बहुत तकिए रहेंगे, एक काम उधर दूसरे काम इधर रहेगा। मैं हरदम बोलता हूं कि जब जब गुस्सा आता है जब जब अपसेट हो जाते हो तो पहला काम यह करना है कि ऑलवेज बी इन कम्युनिकेशन ए बी सी, ऑलवेज बी इन कम्युनिकेशन, बातचीत कभी भी बंद नहीं करने का, क्योंकि बातचीत बंद करेंगे तो फिर वो अपसेट कायम रहता है, यदि बातचीत आप चालू रखेंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। जो कम्युनिकेशन बंद है उसके ऊपर बातचीत करके आप उसका हल निकाल सकते हैं, आप कहां दुखी हुए क्या हुआ मन की बात आप इसको बोल देते मन हल्का कर देते हैं तो गुस्सा कम हो जाएगा। दूसरा और आपने देखना है कि गुस्सा आने के पहले वैसे ही देखना है कि भाई गुस्सा आने के बाद में मैंने 30 सेकंड के ऊपर गुस्से में रहने का नियत तय कर, गुस्सा आएगा ही नहीं ऐसा नहीं बोलने का, ठीक है गुस्सा आएगा मगर 30 सेकंड में गुस्से में रहने का अधिकार आपको नहीं दिया है या मुझे मैंने अधिकार नहीं दिया है, मैं गुस्से में रहूंगा सिर्फ 30 सेकंड और उसके बाद में गुस्सा बाजू करके काम काज चालू करूंगा, तो गुस्सा आना ही नहीं ऐसा नहीं है, आ गया तो ठीक है आने दो मगर मैं 30 सेकंड के ऊपर या 2 मिनट के ऊपर या 5 मिनट के ऊपर गुस्से में रहूंगा नहीं, वहां से मैं बाहर आ जाऊंगा, ऐसा अपने आप से तय करो। स्वसंबोधन उपचार काउंसिलिंग है फिर अफर्मेशन है, इससे आप गुस्से के ऊपर काबू पा सकते हो। आप इससे ज्यादा जानकारी चाहिए और तो हमारे वेबसाइट को विजिट करो, यूट्यूब पे हमारे काफी सारे वीडियोज है उसे लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो मैं आपको आज कौन सही कौन गलत दृष्टिकोण नजरिया इसके बारे में बताने वाला हूं। होता क्या है कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं सही हूं, मैं सही और वह गलत, इसमें तो पूरे दुनिया का झगड़ा चालू है, मतलब इसकी वजह से तो झगड़े होते रहते हैं पति पत्नी में, बेटा और बाप में, भाई भाइयों में, देश देशों में कि भाई सही कौन गलत कौन। हर एक को ऐसा लगता है कि मैं सही हूं और वो गलत है। पति पत्नी का जब झगड़ा होता है तो पति को लगता है कि मैं सही हूं मेरा दृष्टिकोण बराबर है, पत्नी को लगता है कि मैं सही हूं मेरा दृष्टिकोण बराबर है। सास और बहू की पट्टी नहीं है, उसमें भी वही होता है कि सास को लगता है कि अभी अभी शादी करके बहू घर में आई है, उसको क्या समझता है मैं सही हूं, और बहू को ऐसा लगता है कि सास अभी पुराने जमाने की है, उसके विचार पुराने हैं, उसको कोई समझता नहीं है मैं सही हूं। तो पूरा झगड़ा जो है वो सही गलत का झगड़ा है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं सही हूं, कोई जिसको सुनने को तैयार नहीं। एक्चुअली होता यह है कि हर व्यक्ति को अपने अपने नजरिया से मतलब अपने अपने नजर से वो देखता है उसको, तो उसको लगता है कि हाँ मैं बराबर हूं, उसके नजर से मतलब उसके जूते में जाके
उसको जैसा दिखता है वैसा मैं देख सकता हूं क्या? उसको जैसा दिखाई देता है उसको मैं देख सकता हूं कि वैसा? क्योंकि हर एक घटनाएं अलग अलग नहीं होती, घटनाएं सेम होती रहती है। समझो वातावरण में घटनाएं एक हुई और घटना एक होने के बाद में उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो कहानी है वो अलग अलग बनती है। उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, उसका मीनिंग अलग लगाया जाता है, उसका देखने का नजरिया, जो अपने दिमाग में जो विचार है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार है, वो विचारों से उसका मीनिंग लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी उदाहरण के तौर पे बताने का है तो एक बड़ी फ्लैट सिस्टम है, चौथे मंजिल पे रहने वाला जो बच्चा है सातवीं क्लास में पढ़ने वाला, तो उसको 35% मार्क्स मिल गए, तो उसमें वो फ्लैट में मातम मनाया जा रहा है क्योंकि बच्चे को कम से कम 80% मार्क्स मिलने को होना था, उसको 35% मार्क्स मिल गए तो मातम मनाया जा रहा है। और दूसरे मंजिल पे जो फ्लैट है वो लड़के को 35% मार्क्स मिले तो सेलिब्रेशन करके आ रहे, क्यों? बोले पप्पू पास हो गए। मतलब 35% मार्क मिले तो एक जगह सेलिब्रेशन हो रहा है और 35% मार्क मिले तो एक जगह मातम मनाया जा रहा है। देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो हरेक ने ये देखना है कि भाई यदि झगड़ा होता है तो क्या मैं उसके नजरिए से देख सकता हूं, क्या वो जैसा देख रहा है वैसा मैं देख सकता हूं? मेरी मुर्गी की एक ही टांग, मैं जैसा बराबर हूं वैसे ही सही है, मेरी आवाज सुनो, और ऐसा बोल के किसको डोमिनेट करना, लोगों के ऊपर प्रेशर डालना, उसमें होता क्या है कि मन में बहुत कटुता आती है, फिर तो लोग जोर जबरदस्ती मांग तो लेंगे कहना, मगर फिर झगड़े होते रहते हैं, फिर लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अभी देखो उदाहरण के तौर पे, समझो भी ये मेरे पास में कागज है, ये कागज के ये बाजू में लिखा हुआ है पूरा, टाइप किया हुआ है, और ये बाजू में कागज है पूरा कोरा है। अभी समझो सामने मेरे कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको मैंने बोला कि भाई ये कागज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो बोलेगा हाँ इसमें लिखा हुआ है, और मैं देख रहा हूं कि इसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं, कागज कोरा है। अब कौन सही कौन गलत है, उसके नजर से देख लिया तो बराबर है कि कागज के ऊपर काफी सारा मटेरियल लिखा हुआ है, मेरे तरफ से देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कुछ भी लिखे नहीं है, फिर सही कौन और गलत कौन है? तो जहां जहां, और होता क्या है कि काफी बार जब जब झगड़ा शुरू हो जाता है, मतलब वाद विवाद शुरू हो जाता है, तो उसका जो कारण है, मतलब जहां से वो बातचीत चालू हो गई, वो मुद्दा तो बाजी में हो जाता है, और बाद में धीरे धीरे वाद विवाद इतना बढ़ते जाता है कि फिर सही कौन और गलत कौन और मेरा पॉइंट प्रूव करना, उसके ऊपर ही फिर वाद विवाद शुरू हो जाता है। मतलब वो जो उसका जो कारण है, सोर्स है, वो तो उसके ऊपर कोई हल होता नहीं है, उसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं करता, फिर बाद में धीरे धीरे बातचीत बढ़ते 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 जाती है और फिर उसके ऊपर मैं कौन, मैं मतलब सही कौन गलत कौन, उसके ऊपर वाद विवाद चल हो जाता है। तुमको क्या करना पड़ेगा, पति पत्नी में हो वाद विवाद, या कर्मचारी या बॉस जो है अधिकारी उसमें वाद विवाद हो, बहु सास में हो या दोस्तों दोस्तों में हो, यदि कहीं भी वाद विवाद होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है भाई मुझे देखने दो कि वो उसका नजरिया क्या है, वो कैसा उसको देख रहा है, क्या मैं वैसा उसको देख सकता हूं, और उसके जूते में पैर रख के मैं वो नजरिए से या वहां से उसके नजर से देख सकता हूं क्या, वो मुझे देखना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने हार खाना है या मैंने दो कदम पीछे आना है, ऐसा भी उसका मतलब नहीं है। मगर हम झगड़ा कब तक करते बैठेंगे? आप मेरा लेक्चर सुन रहे तो आप डेफिनेटली ये तो कर सकते हैं कि भैया झगड़ा भैया वाद विवाद, आप तो बोल सकते हैं ठीक है मैं देखता हूं कि आप कैसा देख रहे हो। अल्टीमेटली ये भी आप कर सकते हैं कि ठीक है आप जो बोलते हैं वो मुझे नामंजूर है, वो आपका मत है, आपने जो बोला वो आपका ओपिनियन है, मेरा ये ओपिनियन है, और हम दोनों इसके ऊपर एग्री होते हैं कि हम डिसएग्री है, हम दोनों के मत विभिन्न है, इसके लिए मतभिन्नता है, इसके लिए हमारे मत एक है, इसके बोलते शेक हैंड, ऐसा बोल के शेक हैंड करके हम जा सकते हैं ताकि झगड़ा ना हो। तो यदि हम करते हैं तो नजरिया जो है हमारा देखने का, वो हर एक का हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या बोलना है, वो उसको क्या बोलना है, उसको 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 उसके मन में क्या है वो हम सुन सकते हैं और एक अच्छे संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं।
अधिक जानकारी है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल है और काफी सारे वीडियोस है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और फेसबुक के पेज को भी लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम बोलते हैं कि नहीं, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। हम थिंक पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में काफी बोला जाता है। तो बोलते थिंक पॉजिटिव करके कुछ होगा क्या? कुछ फायदा है पॉजिटिव थिंकिंग करके? कुछ फायदा होगा क्योंकि अंदर हमारा इतना निगेटिव थिंकिंग भरा हुआ है। हर व्यक्ति के अंदर इतना निगेटिव भरा हुआ है। बचपन से हमारी जब परवरिश होती है ना, तो 2 साल का बच्चा भी है तभी उससे हम निगेटिव बातें करते, देखो गिर जाएगा, देखो तेरे को कुछ हो जाएगा, देखो वहां से भूत आएगा, देखो तू अकल नहीं, गिर जाएगा, कितने बार बोला, समझता नहीं क्या रे। मतलब बचपन से हमारे दिमाग में निगेटिव 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 फीड किया जाता है। आज आप कोई अखबार खोलो और वहां देखो तो पूरे पेज के ऊपर, पहला पेज देखो, आखिरी के पेज देखो, सब पेज के ऊपर आपको निगेटिव बातें दिखी। हमारा पूरा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो निगेटिव चीजों से भरा हुआ है। उसे होता क्या है कि कोई चीज, कोई सिचुएशन, कोई घटना सामने आती है तो निगेटिव जब सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है तो हमारी एक्शन भी अंदरून, मतलब हमारा क्लियरिंग जो है, हमारी एक्शन जो है अंदर से, वो एक्शन भी अंदर से वीक एक्शन आता है और वो सिचुएशन को हम वीक एक्शन से, मतलब कमजोर एक्शन से, शक्तिहीन एक्शन से उसका सामना करते हैं। अभी ये देखो कि पॉजिटिव सोच तो नहीं हम सकते, बोलते हैं ठीक है पॉजिटिव मत सोचो, तुमसे हम पॉजिटिव बोलो तो सही, क्योंकि आप जब बार बार पॉजिटिव बोलेंगे, बार बार अफर्म, वो तो हमारे कंट्रोल में है, बार बार पॉजिटिव बोलेंगे, बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, तो होगा क्या कि वो बोलने से हमारा बोलना, हमारी बोली भाषा वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाएंगे। जैसा उसको बोलते रट्टा मार, मतलब इतना रट्टा मारो, इतने बार आप पॉजिटिव बोलो कि कुछ ना कुछ अंदर ब्रेन में जाएगा, तो ब्रेन में जाने का मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद में, उसका होगा क्या कि वो एक वहां पॉजिटिव थॉट्स का, पॉजिटिव थिंकिंग का एक बैगेज बनेगा, एक ऐसी स्पेस बनेगी जिसमें पूरा पॉजिटिव थिंकिंग भरा हुआ है। निगेटिव निकाल नहीं सकते मगर इतना पॉजिटिव डालो कि वो निगेटिव दब जाएगा और पॉजिटिव काम करेगा। मतलब कोई भी फिर सिचुएशन सामने आती है तो जब पॉजिटिव, जब अंदर बैगेज है तो व्यक्ति क्या करेगा, वो पॉजिटिव थॉट्स उसके सामने आएंगे, उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, वहां से उसकी पॉजिटिव एक्शंस आएंगी और वो ताकत से, शक्तिशाली रूप से वो सिचुएशन का सामना कर सकेगा। इसलिए हमको ये देखना है कि निगेटिव थॉट को हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है हरकत नहीं है, तो कम से कम पॉजिटिव थॉट्स जो है वो आप अंदर डालो। फिर दूसरा हमको ये देखना है इसमें कि हमारे दिमाग में निगेटिव थॉट्स है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिव थॉट्स है, सबकॉन्शियस माइंड में मूड्स है, सबकॉन्शियस माइंड में फीलिंग्स है, सबकॉन्शियस माइंड में पुराने मेमोरीज है ना, कुछ याददाश्त, मतलब काफी पुराने सब पास की याददाश्त है, सबकॉन्शियस माइंड में फिजिकल स्टेट्स है, मतलब अलग अलग चीजें अंदर बैठी हुई है। अब वो ऑटोमेटिकली वो निगेटिव थॉट्स आते रहते, मतलब हम उसको बोलते कि एंट्स, एंट मतलब ant, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स। तो एंट को करना क्या है, एंट्स तो एंट जब जब आती है, मतलब ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स, वो जब थॉट आते हैं तो हमको ये देखना है कि हम कम से कम बोलेंगे तो नहीं निगेटिव थॉट, वो कम से कम वहीं रखेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे कि नहीं नहीं वो निगेटिव थॉट है, उसका कुछ करने का नहीं है, एटलीस्ट मैं पॉजिटिव बोलूंगा। एक गेम घर में खेल सकते, कौन सा गेम, कि सब लोगों ने घर के फैमिली मेंबर में ठहरा के लेना, क्या ठहरा के लेना कि कोई भी व्यक्ति घर में यदि कोई निगेटिव थॉट बोलता है तो वो 100 रुपए का उसको जुर्माना उसको भरना पड़ेगा या 100 रुपए की उसको चैरिटी करनी पड़ेगी, मतलब उसको दंड 100 रुपए का, ताकि कोई निगेटिव बोले ही ना।
वहां घर में फ्रिज के ऊपर या जहां जहां बार बार विजिट करते हो वहां वहां लिख के रखो कि लाइक पॉजिटिव थॉट्स है, पॉजिटिव स्पीकिंग इज ऑलवेज वेलकम और नेगेटिव थॉट्स आर प्रोहिबिटेड, इसे बोलने का ही नहीं। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो हमको पता चलेगा कि भाई नेगेटिव थॉट्स जो दिमाग में है वो धीरे 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 सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो कम स्पेस लेंगे और पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा स्पेस लेंगे और पॉजिटिव थॉट्स से ही फिर हमारी एक्शंस वहां से होते जाएंगे। अंदर जो बैठा हुआ है नेगेटिव थॉट में एक है कि मैं कमजोर हूं, मैं इनकेपेबल हूं, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मतलब मैं मूर्ख हूं, मेरे को इतनी अकल नहीं है कि मैं कर सकूंगा, मैं तो देहात का लड़का हूं, या मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं ऊंचे कद का हूं, मैं छोटे कद का हूं, ऐसे काफी सारे दिमाग में लिमिटिंग बिलीफ भरी हुई और वो लिमिटिंग बिलीफ जो है वो हमको हमको रोकती है आगे बढ़ने से और वो सब नेगेटिव थॉट का पूरा बैगेज है और उसका उसका निकालना तो असंभव नहीं है, उसको प्रेजेंट हो जाना, क्योंकि कम से कम हमारे दिमाग में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 50,000 से 60,000 थॉट्स आते रहते हैं और उसमें के मेजॉरिटी थॉट्स जो है वो निगेटिव, तो उसको हमको सजग रहने का है और सजग रह के उसको एक्नॉलेज करके कि निगेटिव थॉट है इसका कुछ नहीं करने का है, उसको थैंक्स फॉर शेयरिंग बोलने का, कोई थॉट आता है उसको बोलना ओके थैंक यू फॉर शेयरिंग, ओके थैंक यू फॉर शेयरिंग, ओके मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि ये ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स है, ये एटीएम है, ऑटोमेटिक थॉट मशीन है, एटीएम फ्री में बिठाई हुई है, उसका कुछ करने का नहीं मेरे को और मैंने हरदम पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव काम करने का कृति करने की, ये हम यदि करते हैं तो हमारे जीवन में हम काफी बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा लेवल पे हम सफलता पा सकते हैं और कोई भी काम में हम सफलता पाके हम जीवन के एक बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, मेरे काफी सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फेसबुक के पेज को लाइक शेयर करो सब्सक्राइब करो और उसको कनेक्ट कर लो। कुछ जानकारी यदि और चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय। हेलो, आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं, लोग बदलते क्यों नहीं। हर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं सही हूं और दूसरा गलत है। मेरी आवाज सुनो, मैं जो बोलता हूं वही सही है, मैं राइट हूं वो रॉन्ग है। और हर एक को ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने बदलना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति ही गलत है, तो फिर हम उसको दोष देंगे, उसकी गलतियां निकालेंगे, वो कैसा गलत है उसके लिए स्पष्टीकरण देंगे, कभी कभी उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, डोमिनेट करेंगे, लोगों को उसके बारे में बोलेंगे और वो गलत है ऐसा साबित करेंगे, फिर हम बोलते कि नहीं नहीं वो ऐसा है उसने बदलना चाहिए। पति को ऐसा लगता है कि पत्नी ने बदलना चाहिए, पत्नी को ऐसा लगता है कि पति ने बदलना चाहिए, सास को ऐसा लगता है कि बहू ने बदलना चाहिए, बहू को ऐसा लगता है कि सास ने बदलना चाहिए, पार्टनर को ऐसा लगता है कि दूसरे पार्टनर ने बदलना चाहिए, स्टाफ को ऐसा लगता है कि कर्मचारी ने बदलना चाहिए, कर्मचारी को ऐसा लगता है कि आपके जो अधिकारी है उन्हें बदलना चाहिए, भाई को ऐसा लगता है कि भाई ने बदलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरे पत्नी ने बदलना चाहिए, मेरी माँ ने बदलना चाहिए, मेरे भाई ने बदलना चाहिए, मेरे लड़के ने बदलना चाहिए, मुझे लगता कि मैं सही हूं और बाकी लोग गलत है और उन्होंने बदलना चाहिए। मैं ये विचार करता था कि पूरी दुनिया को मैं बदलू, पूरी दुनिया को बदलने का विचार मेरे मन में था, फिर मुझे समझ में आया कि मैं दुनिया को बदल नहीं सकता। काफी सारी कोशिश करने के बाद मैंने विचार छोड़ दिया, फिर मैंने सोचा कि मेरे देश को बदलू, फिर मैंने देश बदलने की बहुत सारी कोशिश की, मुझे पता चला कि देश में बदल नहीं सकता हूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं मेरा
राज्य बदलू, महाराष्ट्र राज्य वो बदलू, तो फिर उसके लिए मैंने काफी दिन गंवाया कि भाई मेरा राज्य मेरा प्रदेश बदलना चाहिए, तो वो भी नहीं बदला। फिर मैंने सोचा कि नहीं मेरा गांव बदलना चाहिए, मेरा शहर बदलना चाहिए, फिर मैंने काफी सारी कोशिश किया तो वो भी नहीं बदला। फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं वो नहीं हो रहा है तो मेरा मोहल्ला बदलना चाहिए, फिर मैंने मोहल्ला बदलने की कोशिश की, बहुत सारे दिन गंवाए, फिर समझ में आया कि नहीं नहीं लोग वहां मोहल्ले के लोग भी बदलेंगे नहीं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है मेरे घर वाले तो बदलना चाहिए कम से कम, तो मैंने घर वाले लोगों को बदलने की कोशिश किया, वो भी नहीं बदले। आज कितने साल चले गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ही बदलना चाहिए, काश मैं अपने आप को बदलता था तो पूरे घर के लोग बदलते थे, एक 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 व्यक्ति ऐसा बदलता था मैं तो, घर के लोग बदलते थे, घर के व्यक्ति बदलते थे, मेरा घर के लोग बदलते थे, मेरा समाज बदलता था, मेरा इलाका बदलता था, मेरा सिटी मेरा शहर बदलता था, मेरा राज्य बदलता था, मेरा देश बदलता था और मैं पूरी दुनिया को बदल सकता था। तो बदलने की शुरुआत जो होती है वो अपने आप से होती है, लोगों को बदलने की कोशिश करने से कोई व्यक्ति बदलता नहीं। एक जो है व्यक्ति रास्ते के ट्यूबलाइट के नीचे चाबी ढूंढ रहा था, तो मैं पूछा क्या हो रहा, बोले नहीं मैं चाबी ढूंढ रहा हूं, वहां रोड पे रोड लाइट है स्ट्रीट लाइट, उसके नीचे मैं चाबी ढूंढ रहा हूं। फिर मैं भी उसके साथ में चाबी ढूंढना चालू किया, चाबी तो मिल नहीं रही थी। फिर मैंने उसको पूछा भाई चाबी घूमी कहां, मगर कहां घूम गई चाबी, बोले वो ताला वहां लगाया मैंने मेरे फ्लैट को और चाबी वहीं कहीं भी घूमी हुई है। फिर बोला तू यहां क्या कर रहा है, बोले यहां क्या कर रहा, बोले तू यहां उजाला है करके यहां देख रहा हूं मैं, बोला भाई चाबी जहां घूमी है वहां चाबी ढूंढना पड़ता है, उजाले में चाबी ढूंढना नहीं पड़ता, तो चाबी घूमी कहां है, चाबी घूमी है यहां अपने दिमाग में, और दिमाग में चाबी घूमी है दुरुस्त किसको करना पड़ेगा, बदलना किसको पड़ेगा, अपने आप बदलना पड़ेगा। मैं हरदम मेरे लेक्चर्स में एक एग्जांपल देता हूं, वही कि एक व्यक्ति काफी मतलब थका हुआ शाम को अपना कामकाज खत्म करके शाम को घर में आया, सोफे पे लेट के वो अखबार पढ़ रहा था शाम के समय में, उतने में उसका 5 साल का बच्चा उसके पास में आया, वो चाहता था कि उसके डैडी ने उसके साथ में खेलना चाहिए, वो बीच बीच में आके उसको डैडी को पूछता था डैडी ऐसा करो डैडी वैसा करो, और वो उसके तरफ ख्याल नहीं दे रहे थे, वो पेपर जो अखबार पढ़ने में वो मशगूल थे। फिर डैडी ने उसके पिताजी ने ऐसा सोचा कि ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इसको कुछ ना कुछ काम दे दूं ताकि वो बिजी हो जाए। तो क्या करते बाजू में और एक पुराना अखबार वहां पड़े रहता है, तो उसमें वो उसका एक पन्ना उठा लेते हैं, तो उसके पन्ने के ऊपर एक कुरियर कंपनी की एक जाहिरात रहती है एडवर्टाइजमेंट कि जो पूरे दुनिया भर में उसके कहाँ कहाँ ऑफिसेस है और कहाँ कहाँ वो अपनी सेवाएं देती है कुरियर की, उसके बारे में नक्शा रहता है। तो वो पूरा दुनिया का नक्शा निकाले हुए वो अखबार देखता है और उसको वो टुकड़े टुकड़े करके उसको दे देता है, बोले अभी ये जो दुनिया का नक्शा जो है ना तो वो जोड़ के लेके आ गए। अब उसके डैडी को ऐसा लगता है कि अभी ये लड़का जाएगा और अभी ये घंटा भर तो कम से कम आएंगे ही नहीं ताकि मैं पेपर पढ़ सकूं। वो लड़का वो पेपर लेके जाता है और एक 5 मिनट के बाद में वो पूरा जो टुकड़े किए रहे थे वो पूरे जोड़ के लाता है और वो पूरा नक्शा जैसा होना चाहिए वैसे रहता है। पिताजी उसको पूछते हैं कि ये हुआ कैसे, तूने किया कैसे, बोले मुझे तो रेडी ये मालूम नहीं कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, या अफ्रीका कहाँ है, या इंडिया कहाँ है, मुझे ये मालूम नहीं कि ये देश कहाँ कहाँ है, मगर मैंने क्या किया कि उसके दूसरे बाजू एक व्यक्ति का चेहरा था और मुझे ये पता है कि व्यक्ति का नाक कहाँ है, आंखें कहाँ है, कान कहाँ है, मुंह कहाँ है, तो मैंने वो जोड़ दिया, जैसा वो जोड़ दिया तो पूरी दुनिया जुड़ गई। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को जोड़ना पड़ता है, व्यक्ति को जोड़ने के बाद में पूरी दुनिया जुड़ जाती है। तुमको बदलना किसको है, बदलना अपने आप को है। जब हम आपको खुद को बदलेंगे तो एक 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 व्यक्ति बदलते जाएगा और हर एक व्यक्ति बदलते जाएगा तो हमारा पूरा देश बदल जाएगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो बदलना हमें खुद को है, हमें लोगों को बदलना नहीं है। हम जो फिराक में है कि नहीं लोग बदलना चाहिए, लोग बदलना चाहिए, तो लोग कभी बदलेंगे नहीं। कितने कितने लोग मेरे पास में आते कि मेरे पत्नी ने बदलना चाहिए, पति ने बदलना चाहिए, उसके ऊपर झगड़ा कर लेते, उनको लगता है कि नहीं एक दिन आ जाएगा कि ये लोग बदल जाएंगे। अभी आज ही मेरे पास में एक
कपल आया था, हस्बैंड वाइफ, उनका यह था कि ये मेरा पति जो है वो काम नहीं करता है, वो टाइम पास करता है, और वो इतनी मतलब इरिटेबल हो गई थी, चिड़चिड़ कर रही थी कि फिर मैं खुद काम करती हूँ, मैं कोचिंग क्लासेस चलाती हूँ और ये आदमी व्यक्ति कुछ नहीं काम करता, इसको कुछ ना कुछ कमाना चाहिए, मगर वो व्यक्ति कुछ नहीं करता नहीं। वो चिढ़ती थी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता था। मैंने उसको बोला कि आप क्या चाहती है, उसको बदलना चाहती है? बोले हाँ बदलना चाहिए, उसने कामकाज करना चाहिए, अभी हमारे शादी को 2 साल हो गए, ये बच्चा भी है, ये कैसे होगा हमारा? बोले तू चिड़चिड़ करके कुछ फायदा हुआ 2 साल में? बोले कुछ भी नहीं फायदा हुआ। बोले फिर आप क्यों चिड़चिड़ करती, क्यों चिड़ती आप, फायदा तो है नहीं, तो आप अभी उसको बदलने की कोशिश मत। बदलना किसको है? अपने आप को है, कि जैसा व्यक्ति है वैसा है, वो जैसा है वैसा है, और वो जैसा नहीं है वैसा नहीं है। करना क्या है आपको? आपको देखना है कि आपको कैसे बदलना है, और आप बदलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति बदल जाएगा। हमारे वर्कशॉप में काफी सारे लोग आते हैं, वो लोगों को बदलने के चक्कर में उनको बदल सकते नहीं, फिर वर्कशॉप में आते, वर्कशॉप में खुद को बदलते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं आके, देखो मैं बदल गया ना, घर के लोग पूरे बदल गए। तो बदलना है आपको, लोग बाद में फिर बदल ही जाएंगे। तो लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन वो खुद का करने का, खुद को संभावनाओं का एक नया साम्राज्य उसका निर्माण करने का है। क्या क्या पॉसिबल है वो आपको देखने का है। जिंदगी जैसी है वैसी है, लोग जैसे है वैसे है, अभी मैं क्या कर सकता हूं वो आपने देखना है, ताकि जिंदगी में आप सफलता पा सकें। अधिक जानकारी है तो आप हमारी वेबसाइट को संपर्क कर सकते हैं, यूट्यूब के चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फेसबुक के पेज को भी लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हम आप हमको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।